हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करूंगा कि कितने सर्विस करने के बाद आपको पेंशन लागू हो जाती है और कितने साल बाद आप रिटायरमेंट जा सकते हो, तो उस पर बात करूंगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्वेश्चन कुछ भी हो कमेंट करना, ठीक है। अगर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगा, कमेंट करना। तो दोस्तों बात करते हैं हम कि कितनी सर्विस पे आपको पेंशन लागू हो जाती है और कितने टाइम बाद आप पेंशन जा सकते हो। वैसे दोस्तों 15 और 17 अगर आप कर लेते हो, वैसे 15 में तो आजकल नहीं भेजते हैं, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी हो तो 15 में भेज दिया जाता है। 15 में जा सकते हो और आपको पेंशन भी लागू हो जाती है। वैसे ज़्यादातर इंडियन आर्मी में 17 करके ही, 17 जो कलर सर्विस होती है वो करके ही आपको भेजते हैं। अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो, अगर आप प्रमोशन से अनविलिंग करते हो कि भाई मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, तो आप सिपाही से पेंशन जाते हो। मतलब बाद में जब आपका रिटायरमेंट होता है, जब आपका 17 साल होने वाला होता है, तो एक साल पहले आपको TS नायक बन जाते हो। और अगर दोस्तों सेना में नौकरी करते समय अगर आपको भी प्रॉब्लम आ जाती, प्रॉब्लम से कहने का मतलब है कोई कैजुअल्टी आपकी हो गई या फिर कहीं चोट लग गई या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम होगी जो डॉक्टर लिख के देता है कि हाँ भाई इसको बड़ी दिक्कत आई है, नौकरी नहीं कर सकता, तो ऐसे टाइम में भी अगर आपकी 9-10 साल या 4 साल 5 साल जितनी भी सर्विस हुई है, अगर आप घर भेज जाता है, आपको अगर सेना आपको भेज रही है घर, तो उसमें भी आपकी जो पेंशन लागू होती है वो आपको पेंशन मिलती है। तो ऐसा है, तो मेरे हिसाब से एक सेना काफ़ी अच्छी संस्था है जो कि आपको 15-17 साल करने के बाद भी आपका ध्यान रखती है, जो कि आपको पेंशन देती है, थ्रू विच आप अपनी फैमिली को देख सकते हो। हम सब जानते हैं कि हम सेना में क्यों आते हैं, एक देश सेवा तो रहती है, बट दूसरा पॉइंट ये भी रहता है, हमको रुपए भी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें खुद की लाइफ सस्टेन करनी है, हमें हमारी फैमिली को देखना है, हमें उनका भी विकास करना है। सब जानते हैं कि बिना रुपए के आजकल कुछ नहीं है, तो एक देश सेवा तो है ही, प्लस एक अच्छा आपको अमाउंट भी मिलता है, अच्छा एक रुपये भी मिलता है, जिसके थ्रू आप अपनी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसको अच्छे से ध्यान रख सकते हो, ठीक है, बच्चों का ध्यान रख सकते हो, एक सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी भेजो, हमें इस चैनल को ग्रो करना है ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट ला सकें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।